नमस्कार दर्शकों, मैं संजय निला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नवग्रह के बारे में आज मैं गुरु ग्रह यानी बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, रवि जैसे ग्रहों का राजा माना जाता है, तो राजा का भी आध्यात्मिक गुरु होता है। यानी कि राजा आध्यात्मिक सल्ले किसी एक पंडित जी से लेता है, तो वो है गुरु। भगवानों का भी गुरु होता है, जिसे आप बृहस्पति कहते हैं। वही बृहस्पति यानी हम इसे ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। दर्शकों, गुरु ग्रह यानी कि धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों का स्वामित्व गुरु को मिला है। गुरु ग्रह ये जैसे कि हम मानते हैं, उसका एक मंत्र भी अच्छा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ये ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन में गुरु हमेशा हमें मार्ग दिखाने का काम करता है। सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है, जो बचपन में हमको बोलना चलना पढ़ाना ये सब सिखाती है। उसके बाद गुरु हमारे धीरे धीरे बदल जाते हैं, फिर हमारे पिताजी हमारे गुरु बन जाते हैं, फिर उसमें स्कूल के टीचर वो भी हमारे गुरु बनते हैं, वो भी हमें पढ़ाते हैं, धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारे दोस्त भी हमें गुरु के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे कि कोई दोस्त हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, कोई दोस्त हमें गलत मार्ग दिखाता है। वही गुरु ग्रह के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दर्शकों, गुरु ग्रह के आधिपत्य में कौन से प्रभाव आते हैं, जैसे कि हमारी विचार करने की शक्ति, सात्विक शक्ति, फिर तत्व ज्ञान, सभी प्रकार के पुराण वेद इसका शास्त्रों का नॉलेज रखना, फिर उसी के बारे में पूरी जानकारी रख के फिर उसका विश्लेषण करना, इसे तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। फिर गुरु, मैंने पहले कहा था, मार्गदर्शक है। गुरु के माध्यम से आप अंतर्मन को उसका प्रभुत्व माना गया। अंतर्मन धर्म यानी कि हमारे हिंदू धर्म में गुरु का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। हर धर्म में गुरु होते ही है, वैसे ही गुरु यानी धर्म का प्रचारक। फिर जैसे कि धनु राशि ये निसर्ग कुंडली में तीसरी राशि है और मीन राशि ये बारहवीं राशि में। धनु तीसरा यानी कि छोटा प्रवास और बारहवें राशि से बड़ा प्रवास देखा जाता है। आप इसे मोक्ष का कारण भी कह सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी गुरु का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शकों, गुरु ग्रह के माध्यम से कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है। पीलिया, मराठी में उसे कावीळ कहते हैं, पीलिया ये रोग। फिर लीवर के कोई प्रॉब्लम है, लीवर के फंक्शन वो भी गुरु ग्रह के माध्यम से देखा जाता है। हर प्रकार की सूजन, पैरों में सूजन आना, हाथों में सूजन आना, कोई भी शरीर के ऊपर कोई भी सूजन का प्रभाव ये गुरु ग्रह के माध्यम से देखा जाता है। फिर कैंसर, चर्बी के गाठी, शरीर के अंदर चर्बी उत्पन्न होती है, उसमें गाठी तैयार होते हैं, वो भी गुरु ग्रह के माध्यम से देखा जाता है। गलगंड, फिर हत्ती रोग, ये सभी प्रकार के रोग हम गुरु ग्रह के अध्ययन में देख सकते हैं। फिर गुरु ग्रह के माध्यम से कौन से व्यवहार की कोई जॉब की चालना मिलती है। देखो, मंदिरों में जो ट्रस्ट होते हैं, मंदिर देवस्थान, उनका जो व्यवहार वो भी गुरु ग्रह के अंडर ही आता है। स्कूल, शाला, कॉलेज, शिक्षण संस्था, ये सभी गुरु ग्रह के अंदर आते हैं। न्यायालय व्यवस्था, न्यू गुरु ये न्यायकार ग्रह है, तो न्यायालय की व्यवस्था भी गुरु ग्रह के अंदर ही आती है, न्यायालय में जॉब लगना। फिर उसके बाद हमारे आध्यात्मिक गुरु, जैसे कि बड़े बड़े ऐसे शंकराचार्य हो गए, जो कि जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान करके अपने हिंदू धर्म को चालना दी, वो आध्यात्मिक गुरु। फिर पुजारी, पंडित जी जो पूजा पाठ करते हुए अपना उधर निर्वाह करते हैं, वो पंडित जी, ये सभी प्रकार के गुरु ग्रह के आधिपत्य में आते हैं। सलाहकार, आपको मालूम है दर्शकों, बृहस्पति जो गुरु है, देवताओं के सलाहकार है। देवता कोई भी निर्णय लेना है वो सबसे पहले गुरु से वार्तालाप करते थे,
कि भाई युद्ध करना है या करूं या ना करूं, कौन सी भगवान की आराधना करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ये सभी गुरु के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। तो हर प्रकार के सलाहकार ये भी गुरु ग्रह के अधिपति में आते हैं। गुरु ग्रह के माध्यम से कौन से गुण, जैसे कि शांति, शांत बुद्धि, मन में प्रसन्न, मुख में प्रसन्नता और शांत वृत्ति, फिर धार्मिक वृत्ति, तपस्वी, अध्ययन करने की शक्ति, साधक, फिर न्याय प्रवृत्ति, गुरु के माध्यम से अपने को न्याय प्रवृत्ति, मार्गदर्शक और श्रद्धा स्थान, ये सभी प्रकार के गुण गुरु ग्रह के माध्यम से हम देखते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको गुरु गुरु यानी बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी दी है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।